नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज सिंजारा है, हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है और सिंजारे में सुहागन महिलाओं के लिए उनके मायके से वस्त्र आभूषण और श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई ये सब आते हैं। ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक खास तोहफा होता है। इसमें श्रृंगार के सामान को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। मायके वाले सिंजारे में सोलह श्रृंगार के शामिल करते हैं और अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएँ देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक है, आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग शिव है, शाम बाद 8:26 तक आगे सिद्ध योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योगकारक है, तो इस दिन का अच्छे से आप सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। करण कौलव है, शाम बाद 8:03 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:01 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 तक रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:56 तक है और दिन में 4 दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:35, फिर सुबह 9:28, फिर दोपहर 12:56 और दोपहर 1:48। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार सरल है, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से राई के दाने या जौ के दाने खाकर पहले 5 पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सिद्धिप्रद रहेगी, दिशाशूल बिल्कुल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8:00 से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 तक और फिर शाम 5:30 से शाम 7 तक। इन तीनों कालखंड का ध्यान अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इसमें आप अगर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे एफर्ट्स करेंगे, तो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा आपके सफल होने के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज त्वरित और सटीक निर्णय लेते हुए दिखेंगे, वहीं वृष राशि वाले आज हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाए। वहीं मिथुन राशि वाले जोश के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और भाग्य भी उनको पूरा पूरा साथ देगा। वहीं कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है कि किसी को कड़वी बात आप ना बोल दें, जिससे सामने वाले को ठेस लगे। और सिंह राशि वाले आत्ममंथन करेंगे और संभवतः किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी ठोस सटीक निर्णय पर पहुंच जाएं। वहीं कन्या राशि वाले निवेश के जोखिम से आज बचें और तुला राशि वाले किसी सरकारी कार्य से या सरकारी अधिकारियों से लाभ पा सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले अपने ऑफिस में अपनी जगह को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हुए दिखेंगे। और धनु राशि वाले भाग्य से पाएंगे पूरा पूरा समर्थन। मकर राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर जिन्हें दर्द की शिकायत रहती है, यानी बदन दर्द रहता है या अर्थराइटिस की समस्या है। कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेकर रहेंगे परेशान, जीवनसाथी के स्वास्थ्य में भी समस्याएँ हो सकती है। वहीं मीन राशि वालों को किसी कानूनी पचड़े से रहना है दूर। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवद गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिससे जो व्यक्ति जैसा ज्ञान चाहे उसे वैसा ज्ञान मिल जाता है। यानी जैसे आपके मन में शंका है, प्रश्न है, डाउट्स हैं, आपको उस प्रकार के उत्तर मिल जाते हैं। अध्यात्म के पथिकों के लिए जहां ये सर्वोच्च आश्रय है, वहीं लौकिक जगत में सफलता प्राप्ति के सूत्र भी इसी सदग्रंथ में निहित है। जैसे कि एक श्लोक है जो इस प्रकार है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। इसका अर्थ यह है कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी होते हो तो राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। अब ये सफलता का सूत्र है।
दर्शकों की किसी भी कार्य को जब करें तो दृढ़ निश्चय कर एकाग्र चित्त होकर और लाभ हानि के विचार से परे होकर करें, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी या फिर बहुत सारी सीख यानी लर्निंग मिलेगी जो कि आगे के प्रयास में आपको सफल बना देगी। बहुत ही मजबूती से बिना किसी गलती से आप अपना अगला प्रयास कर पाएंगे। इसलिए इस श्लोक को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए, यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार के समस्याओं के सरल समाधान आपको कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से और सटीक विधि के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रख दीजिए, यानी ऐसे पार्क जहाँ पे पक्षी बैठते हों वहाँ दीवार पर रख दें। साथ ही दोपहर 1:18 से दोपहर 2:05 के बीच में पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और 27 माला लघु महामृत्युंजय यानी लघु मृत्युंजय जो मंत्र है ओम होम जूम से, इसका जाप करें 27 माला का। इसी प्रकार से रात्रि में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्र दान करें। ऐसा अगर आप करते हैं यानी कि ये जाप और ये दान और पक्षियों के निमित्त जो आपको रखना है भोजन, तो फिर देखिए कैसे पूरा वर्ष सुख शांति से सुकून से आपका बीतता है, भगवान की कृपा आपको महसूस होती है। ऐसे दर्शकों को कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में बैर भाव पनपने लगता है, बात बात पे आपके घर में झगड़े होने लगते हैं, अहम के टकराव होने लगते हैं, हर कार्य जो आप करते हैं घर में उसमें विघ्न बाधा आती है और लगता है कि घर पे इष्ट की कुल देवी देवता की कृपा अब बिल्कुल नहीं रही। ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ बन रही हैं तो फिर आज से 27 दिन आप एक छोटा सा उपाय करें, एक छोटी सी साधना करें, तो इस प्रकार की समस्या से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए करना ये है कि सूर्यास्त से ठीक बाद यानी गोधूली वेला में आधा किलो कच्चा दूध ले लें गौ माता का यानी गौ दुग्ध लें, उसमें शहद डालें और दुर्गा माता के चित्र के सामने रखें और फिर इस बहुत ही विशेष स्तुति का 27 बार आपको पाठ करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, स्तुति का इस प्रकार है कि शूलेन पाही नो देवी पाही खड़गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलश्य उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस प्रकार से 27 बार इस स्तुति का जाप करें सामने वो दूध रखकर, और फिर ये जो दूध है इसे छत के सबसे ऊपरी भाग से शुरू करके आपको छींटे देने हैं और छींटे देते देते आपको नीचे आना है, सभी कमरों में पूरे मकान में छींटे दें, अंत में घर के बाहर तक जाकर मुख्य द्वार पर इस दूध की कार लगा दें। कार यानी इस दूध की एक लाइन सी आप बना दें पूरे मेन गेट पर। 27 दिन तक रोजाना आपको शाम को ये करना है। 27 दिन अगर आप कर लेते हैं तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी प्रकार का कोई नकारात्मक दोष है, किसी प्रकार की कोई नज़र की बाधा है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक दिव्यता का, एक पवित्रता का आगमन आपके घर में होगा। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत दिनों से मनोकामना है कि वो अपना घर खरीद लें या भूमि भूखंड खरीद लें लेकिन योग नहीं बन रहे हैं, तो वो सभी लोग आज शाम 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान आरंभ करें तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, पीले रंग की एक ध्वजा, पीले और लाल पुष्पों की माला, केसर का इत्र, केसर या चंदन की धूप ये वहाँ अर्पित करें, अपनी मनोकामना उन्हें कहें, फिर घर लौटकर और इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए यानी भगवान श्री महाविष्णु जी के अवतार वराह का ध्यान करते हुए और इस मंत्र को आप आरंभ करें 3 माला। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र है ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्वं मे देहि ददापय स्वाहा। 3 माला का जाप करना है, लगातार आप इसको 4 महीने तक करते रहें। 4 महीने में आप देखेंगे मनोकामना सिद्धि हो जाएगी, रास्ते अपने आप बनेंगे और जिस प्रकार का भूमि भूखंड या मकान आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक भरत सिंह जी की अलवर से। 30 जुलाई 1993 का इनका जन्म है, दोपहर 1:32 अलवर। प्रश्न पूछा है कि विदेश जाने का योग कब तक बनेगा। देखिए भरत सिंह जी, आपकी तुला लग्न की जन्म पत्रिका है, धनु आपकी राशि है, आपके भाग्य का स्वामी और विदेश यात्रा का भाव का जो स्वामी है वो बुद्ध ही है।
यानी दोनों भाव के अधिपति बुध हैं, जो लग्नेश शुक्र के साथ प्रबल होकर नवम यानी भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में विदेश से लाभ और भाग्योदय का योग तो बनता है। अब आपके विदेश जाने का जो प्रबल योग है वो जुलाई अगस्त सन 2024 में बनेगा। उत्तम लाभ के लिए यानी कोई समस्या ना आए और पूरी तरीके से मनोकामना पूर्ति हो, इसके लिए अच्छा सा पन्ना अवश्य पहन लीजिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक आस्था जैन जी की। ये डूंगरपुर से हैं, 4 जनवरी 1999 का इनका जन्म है, शाम 5:37 डूंगरपुर। प्रश्न किया है करियर कब तक बनेगा और किस क्षेत्र में बनेगा। आस्था जी आपका मिथुन लग्न है, कर्क राशि है, सूर्य बुध का योग आपके राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन भाग्येश का नीच राशि में होना और पंचमेश शुक्र का अष्टम भाव में होना आपके लिए जीवन में संघर्ष भी दिखा रहा है। आपका करियर जो है वो मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग लेखन फिल्म मेकिंग इन सब किसी विधाओं में बन सकता है। उत्तम फल प्राप्ति के लिए शुक्र और शनि के साथ साथ गुना आप जाप करवा लीजिए और एक फायर ओपल और एक नीलम आपको पहन लेना चाहिए ताकि आपको समस्याएं कम से कम आए। आपका जो करियर है वो अक्टूबर सन 2023 से नवंबर 2024 के बीच में सेट हो जाएगा, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।